दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आदर किसान मार्ट पर। दोस्तों आज हम बता रहे हैं आपको अंजीर की तीन वेराइटी है, ये तुर्की ब्राउन है, ये देसी वेराइटी है और ये पूना वेराइटी है। इनमें तीनों में जो खासियत है या विशेषता है किस तरीके से आप देख सकते हो वो मैं तीनों को आपको एक एक करके बताऊंगा। पहले सर्वप्रथम लेते हैं अपनी तुर्की ब्राउन वेराइटी। नया आपको कल्टर लेना है या ट्रीटेड होना चाहिए, आप इसको कटिंग कर दे, जो पत्ते हैं उनको हटा दे, इसको आपको हटाना है। और जो तुर्की ब्राउन वेराइटी है उसकी मैं आपको विशेषता बता दूं, ये स्टार की तरह इनका पत्ता होता है, यही इस वेराइटी की एक विशेषता है। और इसमें फल है वो काफी बड़ा फल आता है, इसमें इनको हटा देंगे अपन। आप इसको 6-6 इंच के आसपास कटिंग करनी है आपको। ये एक वेराइटी अपनी तैयार हो गई है, ये देसी वेराइटी है, इसका फल छोटा आता है, बाकी ये काफी हिस्सों में इंडिया के काफी जगह ये प्रचुर मात्रा में मिल सकती है आपको। इसके भी पत्ते काटने हैं आपको, इसमें आप देख सकते हो फल भी है, अभी फ्रूटिंग टाइम है तो इसमें फल भी है। कटिंग करें, ये हमारे पास में दूसरी वैरायटी हो गई देसी की। और जो तीसरी वैरायटी अपने पास है वो है पूना वैरायटी, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा फल आता है। ये सब वैरायटी अपने पास में लगी हुई है और उन्हीं के मदर प्लांट से ये काट के लेके आए हैं। अभी सबसे बेस्ट टाइम है, इस टाइम पे आप ग्रो करोगे तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो होगा। ये 6-6 इंची का आपका कटिंग करें। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ आए बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक करते, उससे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो दोस्तों ये अलग अलग हुई है, ये तुर्की ब्राउन वेराइटी हो गई, ये देसी वेराइटी हो गई, ये अपनी पूना वेराइटी हो गई। अब इसको किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये 1:3 में हम लेंगे, इसमें ये गार्डनिंग सोइल हमने डाली है, उसके बाद में ये कोकोपीट है और ये आपका वर्मी कंपोस्ट है। ये वर्मी कंपोस्ट हमने इसमें डाल दिया, और कुछ नहीं ले रहे हैं, इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। अब इसको भर देंगे, जो भी अपने वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट और गार्डन सोइल है उससे इसको भर देंगे अच्छी तरीके से। आप देख सकते हो इसको पानी में भिगोगे, ये रूट हार्मोन है, रूटविन पानी में इसमें भिगोना है और उसके बाद में थोड़ा सा रूटविन इसमें लगाना है। इस तरीके से एक पॉट में 4 हम कटिंग लगाएंगे और वो भी हर अलग अलग वेराइटी की। इसमें एक तुर्की ब्राउन है, एक देसी वेराइटी है और इसमें थोड़ा सीधा देखना है, ऐसा ना हो कि रूट से ऊपर से निकलने की बजाय नीचे से निकलना स्टार्ट हो जाए। इस तरीके से ये 4 अपने लगा दिए। अब इसी प्रकार ये तुर्की ब्राउन वेराइटी है और ये देसी वेराइटी है, इसको अब लगा देते हैं। ये देसी वेराइटी थोड़ा सा दबाना है इसको, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। इनकी विशेषता ये होती है कि तुर्की ब्राउन वेराइटी है उसको ड्राई और फ्रेश दोनों में यूज करते हैं खाने के लिए। थोड़ा थोड़ा इसको दबाना है आपको,
आप घर पे भी इसको प्रैक्टिकली कर सकते हो, आराम से ये ग्रो हो जाएगी। ये मौसम में सितंबर अक्टूबर माह का मौसम काफ़ी अच्छा रहता है कटिंग्स लगाने के लिए, अंजीर की कटिंग के लिए स्पेशली काफ़ी अच्छा टाइम है अभी। इस तरीके से इसको लगा देंगे और हल्का इसमें पानी देना है। तो ये लग चुकी है कटिंग्स अपनी सारी, तीनों वैरायटी की चार चार हमने लगाई है। अब इसमें आपको पानी देना है। ज्यादा भर के पानी नहीं देना, और आपका जो गमले हैं उनका रूट जो नीचे का छेद है, नीचे छेद निकालना जरूरी है। ये इसमें पानी अच्छी तरीके से लगा दिया है हमने। अब इसको सेमी एरिया में रखेंगे जहाँ नेट हो, कम छाया आती हो, सीधी डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए, उसमें रखेंगे। इसके बाद कैसे ये आगे जर्मिनेट होता है, किस तरीके से इसमें कितनी सक्सेस रेशियो रहती है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा, और पूरा वीडियो ज़रूर देखें आप।